रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण मामले में राहत पाने के लिए एक पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी स्वीकार कर ली है और अब कल इस मामले में सुनवाई होनी है। ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप सिंह बनभूलपुरा पहुंचे, जहां उन्होंने तमाम लोगों से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने जेजेएन से बात करते हुए रेलवे की ओर से 78 एकड़ भूमि पर अपने अधिपत्य जमाने वाली बात पर कई सवाल खड़े किए। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि कल सुप्रीम कोर्ट बनभूलपुरा के लोगों के हित में फैसला सुनाएगा। तो चलिए आपको भी बताते हैं जेजेएन से बात करते हुए क्या बोले सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप सिंह। हमारे जितने भी जो रेट पिटीशन पड़ी हैं, हमारे जो सारे एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, वो बात के लिए पूरी तरह से तैयार है। सारी बात को तथ्यों सहित, कानूनी पहलुओं सहित कोर्ट के सामने रखेंगे और मुझे विश्वास है कि कोर्ट न्याय करेगी। नैनीताल हाईकोर्ट में कहां कमी रह गई थी? नैनीताल हाईकोर्ट की जो कमी है उसको लोगों की बातों को सुनना चाहिए था, जानना चाहिए था और सारे कानूनी कागज देखने चाहिए थे। केवल ओरली आके कोई कह देता सरकार की तरफ से कि हमारी जमीन नहीं, आप इसको मान लेंगे? आप सबूत क्या है? यहाँ पे कीड़े मकोड़े नहीं रह रहे, यहाँ पर लोग रह रहे हैं, लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग हैं, तो क्या उनकी बात नहीं सुननी चाहिए थी? यहाँ पर जो बिजली के कनेक्शन है किसने दिए हैं? सरकार ने। यहाँ पर सीवर लाइन किसने डाली है? सरकार ने। यहाँ सड़कें किसने बनाई हैं? सरकार ने। यहाँ लोगों को जो जमीन के पट्टे दिए किसने दिए हैं? 1910 के बाद से लेके सरकार ने। जो लोगों की रजिस्ट्री है प्री होल्ड की है किसने दिया? सरकार ने। यहाँ पर लोगों से हाउस टैक्स कौन वसूल कर रहा है? सरकार। यहाँ पे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है किसके द्वारा बनाया गया? सरकार के द्वारा। यहाँ पर हॉस्पिटल किसके द्वारा बनाया गया? सरकार के द्वारा। ये सारी चीजें यहाँ पर लोग, ये जितने लोग हैं ये वोट देते हैं, आप इनकी वोट लेके विधायक बन जाते हैं लीगल, आप इनके वोट लेके सांसद बन जाते हैं सब लीगल, और ये सारे के सारे इलीगल हो गए। तो ये सारी चीजों को इस फैसले से पहले सोचना समझना चाहिए था, विचार करना चाहिए था, गहनता से देखना था। लोगों की जिंदगियां जुड़ी हैं यहाँ पे, उसके बाद फैसला देना चाहिए था। मैं समझता हूँ इन सारी चीजों की कमी रही जो हाईकोर्ट ने नहीं देखा, और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसको देखेगी। रेलवे पहले 29 एकड़ भूमि को अपना बता रहा था, एकदम से 78 एकड़ हो गई, ऐसे कैसे? अब अभी अभी मुझे पता लगी है कि वो 82.7 एकड़ हो गई, मतलब बड़े मजे से बढ़ रही है, मतलब दिन दूनी रात चौगनी जो जमीन बढ़ती है ऐसे बढ़ती है। उसके पास में जो जमीन है उसका डिमार्केशन कहाँ से? उसी का कागज नहीं है उसके पास में प्रॉपर तरीके से। और ये देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये लो, ये है मुकदमा संख्या 21/85। देखो बड़ा मज़ेदार है ये, और ये किस बात का है कि एक व्यक्ति हैं, उनके घर में पेड़ था, जो पेड़ की कुछ टहनियाँ काट दी गई, रेलवे ने जो है वो किया उन पर मुकदमा कि ये रेलवे का पेड़ था, ये 85 का। इस बात को भी मान लें जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने कह दिया सरकार ने, सरकार का ही कानून है कि जो मलिन बस्तियां हैं उन मलिन बस्तियों को 2024 तक किसी भी हालत में छेड़ा नहीं जाएगा, चाहे मुकदमा कोर्ट में भी चल रहा हो, चाहे रेलवे की जमीन पे हो और चाहे वो डिफेंस की जमीन पर हो, कहीं भी होगा, उस सब के बावजूद भी मलिन बस्तियां जो हैं उनको छेड़ा नहीं जाएगा 2024 तक। ये सरकार का अध्यादेश है, तो सरकार को अपने अध्यादेश की मालूम नहीं है? और जो अधिकारी जाके कोर्ट में बयान दे रहा है क्या उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए? सरकार के आदेश के खिलाफ कैसे जा रहा है भाई? कानून के खिलाफ चला जा रहा है। और फिर भी कोई बात हो, इंसान रहते हैं यहाँ पर, कोई कीड़े मकोड़े नहीं रहते, उनको देखकर किसी भी अदालत को, किसी भी सरकार को, किसी भी अधिकारी को फैसला लेना चाहिए।